खुश रहती है, सबसे बड़ी बात है, अपने परिवार के साथ पूरा अपना जिम्मेदारी निभाते निभाते। परंतु मेरा एक भाव है कि जिनके पास ज्ञान है, जिनके पास कुछ अच्छा है, वो बांटना चाहिए। इसीलिए मैं इनको लाती हूँ, एमए को पढ़ाती है, एमए को पढ़ाती है। इतना सब लोग खुश होते हैं कि मधु जी का पीरियड है तो बहुत अच्छा लगता है। और अब ये उपासक भी बनी है तो उपासक की सेवा देती है। जब भी मधु आती है सब बोलते हैं कविता हो जाए, इतनी उनकी कविता। मैं तो अभी पीछे पड़ी हूँ उनके कि इनकी कविता की पुस्तक निकाल के ही हम रहेंगे। हमने एक संकल्प किया है ना महिलाओं ने कि जो महिलाएं पीछे है उनको आगे लाने का हमारा उद्देश्य है। उनको यहाँ हमारा प्लेटफॉर्म भी देना है और उनको तो मधु जी की जल्दी नेक्स्ट पर्यूषण तक कविता का बुक आएंगी, यही मैं आशा करती हूँ। और आज का हमारा विषय है पर्यूषण के साथ अनुप्रेक्षा। तो पर्यूषण के साथ प्रेक्षा, ध्यान, अनुप्रेक्षा, इनका संबंध हम क्यों जोड़ रहे हैं, ऐसा आप सोच रहे होंगे। परंतु सही अर्थ से यही है, पर्यूषण में जो जो हमें भावना भानी है, जो जो हम करना चाहते हैं, वो इतना केवल बोलने से नहीं होगा। हम इतना ही रोज कहेंगे खामे मि सब जीवे, तो सबके साथ मैत्री है और किसी के साथ मेरा वैर नहीं, और फोन आया और कुछ हुआ तो तुरंत 1 मिनट में गुस्सा भी कर देंगे और बोलेंगे आपसे बात ही नहीं करूंगा, उसने ऐसा कहा। तो ये मैत्री भाव है वो ऊपर से आता है, अंदर से आना चाहिए। और वो अंदर से कैसा आएगा, मैत्री भाव, यही तो हमारे पर्यूषण का मुख्य उद्देश्य है। कितना सुंदर भगवान महावीर ने दिया है हमें, कितना सुंदर अनुपेक्षा का बात बताइए भगवान महावीर ने। सच्चाई में जीने के लिए भगवान महावीर ने, सच्चाई में जीने के लिए, भ्रांति मिटाने के लिए अनुप्रेक्षा का बात हमें करवाई है, अनुप्रेक्षा का बोध दिया है। प्रेक्षा ध्यान का दूसरा अंग है अनुप्रेक्षा। दो भाग है, एक तो प्रेक्षा ध्यान है और दूसरा है अनुप्रेक्षा। ये अनुप्रेक्षा क्या है? अनुप्रेक्षा है ध्यान में जो कुछ हम देखते हैं, ध्यान में देखना है, देखना है, ध्यान में देखा, विचार किया, मुझे गुस्सा बहुत आता है, तो फिर क्या करना है, प्रयोग करना है कि मेरा गुस्सा कम करना है। ध्यान में देखा, ओहो जो भय बहुत लगता है, हर चीज से डर लगता है, तो ये भय निकालना है। तो बहुत सुंदर ऐसे अनुप्रेक्षाएं दिए कि जो बार 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 अनुचिंतन करने से, जो ध्यान में देखा, जो प्रेक्षा में देखा, देखने के बाद उसकी प्रेक्षा करना, परिणामों का विचार करना, यही तो अनुप्रेक्षा है। तो आज मधु जी आपको बहुत और सुंदर तरीके से बताएंगे। और सबसे बड़ी बात है मैत्री की भावना होनी चाहिए, सहिष्णुता की भावना होनी चाहिए। तो इस प्रकार आज मधु हमें पर्यूषण के बारे में तो बताएंगी क्योंकि वो उपासक है और उसके व्यवहार में पर्यूषण है। मुझे तो लगता है ये डे टू डे पर्यूषण जैसा ही जीवन जीती है ऐसा। तो ऐसे व्यक्तियों से सुनना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ मधु जी नाहटा, उपासक सूरत, जो हमें पर्यूषण के बारे में बताएंगे और खुद ही प्रयोग कराएंगे अनुप्रेक्षा का, क्योंकि उनका प्रयोग मुझे भी अच्छा लगता है। इसलिए आज हम प्रयोग नहीं कराएंगे, मधु जी ही प्रयोग करवाएंगे। तो मोस्ट वेलकम, चलिए एक बार सब वेलकम कीजिए। ये मोस्ट वेलकम, वेरी गुड वेरी गुड, ये वेरी गुड ये, मस्त वेलकम कीजिए और कार्यक्रम शुरुआत कीजिए। ओके चलिए, मधु जी नाहटा जी जी सादर आमंत्रित, अणु एमपी के केंद्र और कल्याण योग केंद्र, मधु जी का सहर्ष स्वागत करती है। सभी उपस्थित लोगों के तरफ से भी मैं आपका स्वागत करती हूँ। पवित्र साधना के पथ पर बढ़ने वालों का अभिनंदन, आत्माराधना के पथ पर बढ़ने वालों का अभिनंदन। न्योछावर हुए हैं जो भी किसी धर्म देवता की वेदी पर, उन समग्र रश्मि रथ पर चढ़ने वालों का अभिनंदन, उन समग्र रश्मि रथ पर चढ़ने वालों का अभिनंदन। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले भगवान महावीर को मेरा शत शत प्रणाम, आराध्य को मेरा वंदन। जय जी निंद्र, आनंद भाई साहब, अलका जी और एमपी के इस मंच पर उपस्थित सभी साधक साधिकाओं को मेरा जय जिनेंद्र, वेरी गुड मॉर्निंग और सादर नमस्कार। मैं आभारी हूँ एमपी के की,
इस मंच की, आनंद भाई साहब की और अलका जी की, जिन्होंने आज मुझे इस मंच पर पर्युषण जैसे पवित्र विषय पर आप सब से जुड़ने का, अपने आप को अभिव्यक्त करने का एक सुंदर सा अवसर दिया है, सबके हृदय से आभारी हूं। यूं तो कल अलका जी ने, सरोजी बांठिया ने पर्युषण पर बहुत कुछ बताया था और बहुत सुंदर ढंग से उसे व्याख्यायित किया था, लेकिन यह विषय अपने आप में इतना विशद है कि इस पर जितना बोला जाए उतना कम है, इस विषय को जितना समझा जाए उतना कम है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह प्रकृति के, प्रकृति सौंदर्य के ताज को कश्मीर कहते हैं, प्रकृति सौंदर्य के ताज को कश्मीर कहते हैं, रण में दिखाए जो कौशल उसे रणवीर कहते हैं, और जगा दे जो हम में आध्यात्म भाव, तोड़ दे जो कर्म के बंधनों को, ऐसे महान अद्वितीय अनुपम आध्यात्मिक महापर्व को पर्युषण कहते हैं, ऐसे अद्वितीय अनुपम महापर्व को पर्युषण कहते हैं। बंधुओं, हम आत्मा को मानने वाले हैं, आत्मा को मानने वाले आप और हम यह सब जानते हैं कि हमारी आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, अनंत शक्ति छुपी हुई है, लेकिन अनादिकाल से हम, हमारी आत्मा कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, ऐसे कषायों से भर कर कर्मों के बंधन से आच्छादित है, और इसने, इन सब ने मिलकर हमारी आत्मा की शक्ति को क्षीण किया हुआ है, कम किया हुआ है। हमारी आत्मा में जितनी शक्ति है हम उसका उपयोग नहीं कर पाते। जैसे सूर्य होता है उसमें बहुत प्रकाश होता है, लेकिन जब कभी घने बादल उसके चारों ओर आ जाते हैं तो उसका प्रकाश धीमा पड़ जाता है। वैसे ही हमारी आत्मा की शक्ति, हमारी आत्मा का आनंद, हमारी जो चैतन्य की जो शक्ति है, वह इन कषायों के से आच्छादित होने के कारण कम हो गई है। तो इसलिए हम अनंत काल से इस संसार समुद्र में, जो दुखों का आगार है, इसमें भटक रहे हैं। तो इससे बाहर निकले कैसे? कल अलका जी ने जैसे बताया कि संपिक्खई अपगम अपयनं, प्रेक्षा ध्यान में आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखते हुए देखने की प्रक्रिया है जिससे हम चित्त शुद्धि तक पहुंच सकते हैं, दुखों से मुक्त हो सकते हैं। ठीक वैसे ही पर्युषण भी आत्म साधना का एक महान अनुष्ठान है, आत्म साधना का महान अनुष्ठान है पर्युषण। जैसे प्रेक्षा ध्यान के भीतर हम शरीर प्रेक्षा, कायोत्सर्ग, दीर्घ श्वास, लेक्षा ध्यान, आप सब तो इस मंच से जुड़े हैं तो आप इन सब से परिचित है। मैं जानती हूँ आनंद भाई साहब ने आपको बहुत परिपक्व कर दिया है इसमें, अलका जी ने, और तो आप सब जानते हैं कि किस प्रकार कायोत्सर्ग, दीर्घ श्वास, शरीर प्रेक्षा, इनके द्वारा हम शरीर को स्थिर करते हैं, शरीर मन को एकाग्र करते हैं, और प्रियता अप्रियता से मुक्त रहकर हम किस तरह ज्ञाता दृष्टा भाव में चले जाते हैं, केवल देखते हैं, केवल जानते हैं, और जिससे हमारे कर्मों का बंधन टूटता है, संवर निर्जरा होती है। ठीक उसी तरह संवर निर्जरा यानी क्या? संवर यानी कि जो कर्मों का आने का रास्ता है, द्वार है, वो बंद हो जाता है, रुक जाता है, और जो हमारे पुराने किए कर्म है, जो हमारी आत्मा से लगे हुए हैं, वो इस ज्ञाता दृष्टा भाव से टूटने लगते हैं, प्रकंपित होने लगते हैं, और
हमारे आत्मा से अलग हो जाते हैं। तो यही प्रक्रिया जो हम प्रेक्षा ध्यान से करते हैं, वही संवर निर्जर की निर्जरा की प्रक्रिया भी पर्युषण के द्वारा हम करते हैं। वैसे आपको कल बहुत सारी पर्युषण के बारे में बातें बताई है, 8 दिन क्यों करते हैं हम, जो पर्युषण में स्वाद विजय की साधना करते हैं, हम पर्युषण में आहार संयम की जो साधना करते हैं, हम पर्युषण में मौन की, स्वाद की, ध्यान की, अहिंसा की चेतना का हम जो विकास करते हैं पर्युषण के भीतर, हम पर्युषण में जो अपने भीतर जाने की करते हैं, उपवास करते हैं, बेला करते हैं, तेला करते हैं, मांस खमन करते हैं, यह सब क्या है? यह भी वही है जो हम प्रेक्षा ध्यान में करते हैं, हमारे कर्मों को तोड़ने की प्रक्रिया है। हम वचन काया से प्रतिदिन अनंत काल से प्रतिदिन ये योग है, इनसे कर्मों को लेते जा रहे हैं और हमारे आत्मा के ऊपर एक आवरण सा बना रहे हैं। तो हम जब पर्युषण की साधना करते हैं तो हम इंद्रियों के माध्यम से इंद्रियों का संयम करते हैं। रसना का संयम किया हमने, वाणी का संयम किया, इस संयम के माध्यम से हम इंद्रियों को प्रतिसंलीन करते हैं, रोकते हैं, और जिससे कर्मों का आना हमारा रुकता है। और कर्म जब रुकते हैं तो वह द्वार, कर्मों के आने का जब द्वार बंद हो जाता है तो अपने आप अंदर भीतर में दूसरे जो बंधे हुए कर्म है वह भी टूटने लगते हैं इन सब क्रियाओं से। तो यह जो पर्युषण है, यह आत्म शुद्धि की साधना के साथ साथ प्रतिक्रमण और प्रायश्चित की प्रक्रिया से भी हम इसमें गुजरते हैं और प्रत्याख्यान की तैयारी करते हैं। और उसके बाद में हमारा जो यह मन है यह बहुत ही सुंदर हो जाता है, प्रत्याख्यान के बाद में हल्का होने लगता है। क्या है प्रतिक्रमण? आइए हम समझते हैं कि प्रतिक्रमण क्या है, प्रतिक्रमण का अर्थ क्या है। प्रतिक्रमण का अर्थ है पुनः लौटना, पीछे लौटना। कहाँ लौटे? पीछे, पिछले जन्म में नहीं, यहाँ हम अभी जा सकते हैं पिछले जन्म में लौटते लौटते, लेकिन अभी जो वर्ष भर में, प्रतिक्रमण का अर्थ है कि हमने पूरे वर्ष में जो भी भूले की है, जो गलतियां की है, जैसे हमने किसी को अपनी अशुभ वाणी से, गलत वाणी से कष्ट पहुंचाया है, छल कपट माया करके हमने किसी का अहित किया है, हम स्वयं क्रोधित हुए हैं, किसी दूसरे पर क्रोध किया है, यह हम स्मृति करें, यह हम याद करें कि हमने वर्ष भर में ऐसा क्या किया जिसने मेरी आत्मा को कर्मों से, अशुभ कर्मों से आच्छादित कर दिया है। हम जब एक एक करके याद करते हैं, पीछे लौटते हैं कि मैंने किसका दिल दुखाया, मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे मुझे नहीं करना चाहिए था, जब हम इस तरह पीछे लौटते हैं तो हम अपने स्वयं को जानते हैं। और जब हम अपने आप को जानने लग जाते हैं या हमने देख लिया कि हमने गलत क्या किया, तो उसके बाद क्या करना होता है? पर्युषण सिखाता है कि हमें उसके बाद प्रायश्चित करना होता है। प्रायश्चित कैसे करेंगे? प्रायश्चित जैसे मैंने किसी को तकलीफ दी, मैंने किसी की हत्या की, या मैंने कोई ऐसा सामाजिक अपराध किया, तो मुझे जब मैंने जान लिया तो मेरे भीतर में उसके लिए ग्लानी होनी चाहिए कि यह मैंने गलत किया है और मुझे इसका प्रायश्चित लेना है। तो मैं उपवास करूं, स्वाध्याय करूं, मैंने किसी को वाणी से तकलीफ दी है तो मैं ऐसा प्रायश्चित करूं कि मैं 2 घंटा प्रतिदिन मौन करूंगी, इस ऐसे अपराध को जिसको मैंने किया है उससे बचने के लिए, या उसे उसकी
जो मेरे अंदर बंधन हुआ है उसको कम करने के लिए, तो प्रतिक्रमण के बाद में हम प्रायश्चित करें, और प्रायश्चित करने के बाद में क्या करना है, प्रत्याख्यान करना है कि जो मैंने देखा है साल भर, जो मैंने भूल की है, मैंने प्रायश्चित तो कर लिया, लेकिन अगर मैंने अपने आप को यह नहीं समझाया कि ऐसी भूल मुझे वापस नहीं करनी है, मैंने अगर यह नहीं किया तो फिर वापस वो कचरा भरता रहेगा, मैं वापस वही गलतियां करूंगी, वापस वह आत्मा के आसपास वह कचरा भरेगा और फिर मुझे निकालूंगी तो मैं इस भव सागर में घूमती ही रहूंगी। तो मुझे प्रत्याख्यान करना है कि आगे से मुझे संकल्प करना है कि मुझे क्रोध नहीं करना है, मुझे छल किसी के साथ नहीं करना है, मुझे मैत्री के भाव को अपने भीतर पैदा करना है, अहिंसा के भाव को कि मैं आत्मतुला के भाव को कि मैं अपने मन वचन काया से किसी भी प्राणी को न तो कष्ट दूंगी, न मैं किसी और के द्वारा दिलवाऊंगी कष्ट पीड़ा, और ना मैं उस कोई दे रहा है उसकी अनुमोदना करूंगी। तो ये जो हम मन वचन काया से करना करवाना और अनुमोदना करना, इन सब दो करण तीन योग से इन सब को सोचते हुए हम प्रत्याख्यान करते हैं कि मैं ऐसा नहीं करूंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि यह दुखों को देने वाला है। बंधुओं, दुख किसी को प्रिय नहीं है, सब प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है, लेकिन सुख चाहने से कुछ नहीं होता, सुख के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, दुखों की जो भी हमारी क्रियाएं हैं उन सबको मिटाना पड़ता है। तो हम दुखों के सागर से निकलने के लिए पर्युषण की आराधना करेंगे तो हम बहुत शीघ्र ही इस भव सागर को पार कर सकते हैं। और पर्युषण की आराधना के लिए हमारे धर्म में अलग अलग तरह से साधना की जाती है, कोई तप, स्वाध्याय, ध्यान, सब अनुप्रेक्षा कीजिए, जैसे कि कहा है कि अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा भी जो अलका जी ने बताया कि अनुप्रेक्षा क्या है, अनुप्रेक्षा बार बार हमने जो देख लिया, जैसे मैंने देख लिया प्रतिक्रमण के माध्यम से कि ये मेरी कमजोरी है, तो उसको बार बार अपने आप उस भाव से भावित करना कि जैसे मैंने देख लिया मैं क्रोध, मुझे क्रोध होता है, तो मैं अपने आप को भावित करूं कि क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, मैं क्रोध नहीं हूं, मुझे क्रोध नहीं करना है। तो ये भावना जब मैं बार बार, वो कहते हैं ना कि बार बार जब कोई चीज होती है, अगर कुएं से पानी खींचे अपन और उस पत्थर पे उस रस्सी का बार बार आती है तो उस पे निशान हो जाता है, जैसे उस कुएं की रस्सी पर निशान हो जाता है, वैसे ही हमारे मन में वो भाव एक स्थित हो जाता है कि मुझे ऐसा नहीं करना है। तो यही है पर्युषण का महत्व। और एक पर्युषण का जो सबसे सबसे महत्वपूर्ण पृष्ठ है वह है मैत्री। मैत्री यानी कि आत्मतुला का भाव, आत्मतुला का भाव, आत्मोपम्य का भाव, कि जिस बात को करने से कोई दूसरा मेरे प्रति करे मुझे पीड़ा होती है तो वही बात मैं दूसरे के साथ ना करूं। कोई मुझे थप्पड़ मारता है तो मुझे दर्द होता है, मेरे भीतर पीड़ा होती है, तो मैं किसी दूसरे को थप्पड़ ना मारूं। किसी को मानसिक कष्ट, मुझे कोई मानसिक कष्ट दे तो मुझे परेशानी होती है, तो मैं किसी और को कष्ट ना दूं। ये होती है आत्मतुला का भाव, मैत्री का भाव। और मैत्री वही व्यक्ति कर सकता है जो शक्तिशाली होता है। कायर व्यक्ति मैत्री नहीं कर सकता, क्योंकि मैत्री करने के लिए क्षमा देना और क्षमा लेना दोनों, मतलब किसी दूसरे को क्षमा करना और
खुद क्षमा मांगना, ये दोनों बातें जरूरी है। एक दोहा था कि उस भुजंग को जिसके पास गरल, क्षमा चाहिए उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो विषहीन दंतहीन विनीत सरल हो। तो क्षमा अगर कोई जिस सर्प के पास में दांत नहीं है, विष नहीं है, और वह आकर बोले कि मैंने तुझे क्षमा किया, जा चला जा, तो उस क्षमा का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन जिसके पास पावर है, जिसके पास दांत है, विष है, वह व्यक्ति, वह सर्प अगर किसी को डसे नहीं, तब उस क्षमा का मूल्य है। तो हम भी अपने अंदर पावर जगाएं कि हम दूसरों को क्षमा कर सके। कमजोर व्यक्ति क्षमा करता है, उसका मूल्य नहीं है। तो आप अगर पावरफुल हैं तो आप क्षमा करेंगे तो आपका महत्व बहुत बहुत अधिक होगा। कि इस जैसे कहते हैं ना, जो धनवान व्यक्ति होते हैं, जो बहुत धनवान होते हैं, वो जब सिंपल रहते हैं, वो जब सादे रहते हैं, तो उसका महत्व ज्यादा होता है। लेकिन जब गरीब कोई होता है, वह अगर सिंपल रहे तो उसका उतना महत्व नहीं होता है, क्योंकि उसके पास वो चीज है ही नहीं। जिसके पास है और वह उसका उपयोग नहीं कर रहा है, वह बहुत महत्वपूर्ण होता है, वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो आज हमने इसके बारे में, पर्युषण के बारे में जाना। पर्युषण के बारे में चाहो तो आप कितना भी बोल सकते हैं, कितना भी बोल सकते हैं, लेकिन समय की अपनी सीमा होती है। और आज मुझे, आज हमारा जप दिवस भी है, तो जप दिवस क्यों करते हैं? जप में ऐसी कौन सी शक्ति है? जप जो है वह ध्वनि, मतलब शब्द और झंकार, इनसे मिलकर बनता है। जैसी हमको भावना करनी है, उसी प्रकार के शब्दों का संयोजन किया जाता है और उसका एक लय से, एक लयबद्ध और ताल के साथ उसका उच्चारण किया जाता है, तो इससे जप का प्रभाव होता है। जप जैसे कि हम मान लीजिए अरहम का जप कर रहे हैं, तो उसमें जो शब्द हैं अ र म, ये इसके शब्द होते हैं। तो अ अग्नि तत्व है जो हमारी क्रियाशीलता को बढ़ाता है, र र और ह है जो हमारे अंदर अग्नि का बीज है, और हमारे अंदर उस अरहम की जो शक्तियां हैं, अनंत शक्ति है, उसको पैदा करता है। और म एक झंकार है जिससे हमारे अंदर एक ऐसे भाव पैदा होते हैं जो संयम हमें अरहम तक पहुंचाते हैं, राग द्वेष विजेता बनाते हैं। तो ये अरहम शब्द की संयोजना वीतराग बनने के लिए होती है। वैसे ही कुछ मन, हर मंत्र की अपने अपनी शब्दों की संयोजना होती है, अपने अपने विषय होते हैं, और वह सिद्ध होते हैं कब? जब हमारी श्रद्धा उनके साथ जुड़ती है। तो आज हाँ जप दिवस है, तो मैं मंत्र प्रेक्षा कर, आप क्या करना चाहेंगे? अनुप्रेक्षा करना चाहेंगे या मंत्र प्रेक्षा करना चाहेंगे? मैं क्या करवाऊं भाई साहब, मंत्र प्रेक्षा करवाऊं या अनित्य की अनुप्रेक्षा? जो ये मंच चाहता है वही हम करवाएं। उलझी गांठें, आज जो मैत्री हम मनाएंगे, तो उलझी गांठें सुलझाने का यह अनुपम अवसर आया है। पर्युषण का यह जो त्योहार है, उलझी गांठें सुलझाने का अनुपम अवसर है। मिट्टी में सबब हुवेसु वीर ने यह गीत गाया है, मतलब मिट्टी में मैत्री सब भुवेशु प्राणियों के साथ, प्रत्येक प्राणी के साथ हमारी मैत्री हो जाए, हमारी मित्रता हो जाए, यह वीर भगवान महावीर ने यह संदेश दिया था, और यही हम क्षमा याचना के माध्यम से इसे पूरा करते हैं कि हमारा किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई भी तरह का वैर भाव नहीं रहे, हम
बिना वैर भाव के अपना जीवन हल्का हल्का कर लें। तो यह चलिए आज हम मंत्र प्रेक्षा करें, मैत्रिक मैत्रिक अनुप्रेक्षा। मैत्रिक अनुप्रेक्षा मुझे थोड़ा सा भी पूरा ध्यान नहीं है, तो मैंने आज जब या तो अनित्य की अनुप्रेक्षा करवा दूं, अनुप्रेक्षा करवानी है तो, क्योंकि जो पर्युषण की उपासना है इसमें हम अनित्य की अनुप्रेक्षा भी बहुत आवश्यक है। अनित्य की अनुप्रेक्षा समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अनित्य की अनुप्रेक्षा करने के लिए हमें ममत्व को छोड़ना पड़ता है, और बिना ममत्व को छोड़े हम पर्युषण की उपासना कर ही नहीं सकते। तो कोई बात नहीं, अनित्य की अनुप्रेक्षा करवा दीजिए। तो यही है कि हमारा जो जुड़ाव है उन सब से, हमारा जब जुड़ाव खत्म होगा, हमारी अंदर भीतर जो मोह की चेतना है, हमारी आसक्ति है, वह टूटेगी, तभी हम चाहे इस शरीर के प्रति हमारी आसक्ति हो, चाहे हमारे भावों के प्रति कोई आसक्ति हो, या किसी व्यक्ति के प्रति हमारी, वो जब टूटेगी तभी हम पर्युषण की उपासना कर सकते हैं। तो जब अनुप्रेक्षा कर रहे हैं अनित्य की अनुप्रेक्षा करते हैं, तो उससे पहले मैं आज अपनी नई महाप्रज्ञ जी की एक कविता सुनाना चाहूंगी, मुझे बहुत अच्छी लगी, तो एक मिनट आप सुनिए कि आत्मा की पोथी, पर्युषण के लिए जो उन्होंने लिखा है बहुत सुंदर है। आत्मा की पोथी पढ़ने का यह सुंदर अवसर आया है, जीवन की पोथी पढ़ने का यह सुंदर अवसर आया है। सोपान यही है चढ़ने का, सोपान यही है चढ़ने का, मस्तिष्क मनुज का पाया है। हमने मनुष्य जीवन लिया है और यही सोपान है मुक्त आत्मा बनने का। तो सोपान यही है चढ़ने का, मस्तिष्क मनुज का पाया है। संवत्सर का संदेश सुने, निर्मल मन निर्मल काया है। जीवन की पोथी के पहले पन्ने में मैत्री मंत्र लिखो। जीवन की पोथी के पहले पन्ने में मैत्री मंत्र लिखो। सिर दर्द समूल मिट जाना है, यह सुंदर अवसर आया है। भूलो भूलो उसको भूलो, भूलो भूलो उसको भूलो, जो कटुता का व्यवहार हुआ, जीवन को सुंदर बनाने का यह सुंदर अवसर आया है। खोलें अब वैर विरोध की गांठें जो घुलती आई हैं, तन मन को स्वस्थ बनाने का यह सुंदर अवसर आया है, यह पर्युषण आया है। क्यों खोजे शांति की बाहर में, यह तो अपने मन की छाया है। क्यों खोज शांति की बाहर में, यह तो अपने मन की छाया है। उपशम शक्ति बढ़ाने की यह सुंदर अवसर, उपशम यानी कि मोह की चेतना को कम करने की, मोह की चेतना को समाप्त करने की, कम करने की जो भाव है उसे उपशम कहते हैं, मूर्छा को तोड़ने की। तो उपशम शक्ति बढ़ाने का यह सुंदर अवसर आया है। सहना सीखो, कहना सीखो, रहना सीखो, दिनचर्या में हो मृदुता की ज्योति जलाने का यह सुंदर अवसर आया है। हो वार्षिक आत्मनिरीक्षण भी, क्या खोया क्या पाया तुमने। हो वार्षिक आत्मनिरीक्षण भी, क्या खोया क्या पाया तुमने। आत्मा की शक्ति जगाने का यह सुंदर अवसर आया है। जो अंतर दर्शन पाएगा, जो भीतर में जाएगा, जो अंतर दर्शन पाएगा महाप्रज्ञ कहलाएगा, जो अंतर दर्शन पाएगा महाप्रज्ञ कहलाएगा। तो चलिए हम महाप्रज्ञ, बहुत सुंदर ये महाप्रज्ञ जी की कविता है, और अगर हमें महाप्रज्ञ बनना है तो अनित्य की अनुप्रेक्षा करनी है। तो आप जिस आसन में सुविधा पूर्वक बैठ सकते हैं उस ध्यान आसन का चुनाव करें।
मुद्रा आप ज्ञान मुद्रा जैसा कि रोज लगाते हैं या वीतराग मुद्रा बायां हाथ नीचे दायां हाथ लेफ्ट हैंड डाउन राइट हैंड अप, तो इस तरह इसको नाभि के पास दोनों हाथों को स्थापित करें। आंखों को कोमलता से बंद करें, बिना दबाव दिए आंखों को कोमलता से बंद करें। हम 3 बार अरहम की ध्वनि करेंगे, आप भी मेरे साथ करें। ध्येय सूत्र संपेक्खाई आपग मापे आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें, संकल्प करें मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रही हूं, मैं अनुप्रेक्षा कर रही हूं अपना दृष्टिकोण बदलने के लिए। कायोत्सर्ग शरीर को स्थिर शिथिल करें, हलन चलन न करें, प्रतिमा की भांति अपने आप को स्थिर रखें, पूरी स्थिरता। सुझाव दें पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करें पैर से सिर तक पूरा शरीर प्रत्येक अवयव शिथिल। हो रहा है शिथिल। हो रहा है शिथिल। हो रहा है अनुभव करें पूरा शरीर शिथिल 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 हो गया है। पूरे ध्यान काल तक कायोत्सर्ग की मुद्रा बनी रही। हम अनित्य की अनुपेक्षा करेंगे, केवल आत्मा शाश्वत है, बाकी सब शरीर के साथ जुड़ा हुआ सब कुछ अनित्य है। यह स्थान जहां पर मैं बैठा हूं इसके साथ मात्र संयोग है,
जिसके साथ संयोग होता है निश्चित वियोग होता है। स्थान के साथ संयोग का अनुचिंतन करें, अनुचिंतन करते करते अनुभव के स्तर पर आए। स्थान के साथ अपने वी संबंध का अलग होने का अनुभव करें। जिस आसन पर आप बैठे हैं यह मात्र एक संयोग है, जिसका संयोग होता है निश्चित वियोग होता है। आसन के साथ अपने संयोग का अनुचिंतन करें, अनुचिंतन करते करते अनुभव के स्तर पर आए। आसन से अपने वी संबंध का अनुभव करें। शरीर में पहने हुए वस्त्र मात्र एक संयोग है, जिसका संयोग होता है निश्चित वियोग होता है। वस्त्रों के साथ अपने संयोग का अनुचिंतन करें, अनुचिंतन करते करते अनुभव के स्तर पर आए। वस्त्र से अपने अलग होने का अनुभव करें। शरीर के साथ मात्र एक संयोग है, जिसके साथ संयोग होता है निश्चित वियोग होता है। शरीर के साथ अपने संयोग का अनुभव करें, अनुचिंतन करते करते अनुभव के स्तर पर आए। शरीर से अपने वी संबंध का अनुभव करें, आत्मा और शरीर की भिन्नता का अनुभव करें। शरीर में जो रोग है यह मात्र एक संयोग है, जिसका संयोग होता है निश्चित वियोग होता है। रोग से अपने संयोग का अनुचिंतन करें, अनुचिंतन करते करते अनुभव के स्तर पर आए। रोग से अपने वी संबंध का अनुभव करें। मानसिक समस्याएं, क्रोध आदि उपाधियां, स्वभाव, आदतें, ये सब मात्र एक संयोग है, जिनका संयोग होता है निश्चित वियोग होता है। इन सब के साथ संयोग का अनुचिंतन करें। मानसिक समस्याएं, उलझने, स्वभाव, आदतें, क्रोध, उपाधियां,
सबके साथ संयोग का अनुचिंतन करें, अनुचिंतन करते करते अनुभव के स्तर पर आए, सबके साथ वी संबंध का अनुभव करें। यह जो कर्म रूपी सूक्ष्म शरीर है, यह इसके साथ मेरा संबंध है, यह मात्र एक संयोग है, जिसके साथ संयोग होता है निश्चित वियोग होता है। सूक्ष्म शरीर से अपने संयोग का अनुचिंतन करें, अनुचिंतन करते करते अनुभव के स्तर आए, सूक्ष्म शरीर से अपने वी संबंध का अनुभव करें, कर्म से अपने अलग होने का अनुभव करें। मेरा चैतन्य स्थान, आसन, वस्त्र, शरीर, शरीर में होने वाले रोग, मानसिक समस्याएं, क्रोध आदि उपाधियां, स्वभाव, आदतें, सूक्ष्म शरीर, इन सब से भिन्न है। ये सब जुड़े हुए हैं, इनके साथ मात्र मेरा एक संयोग है, जिसके साथ संयोग होता है निश्चित वियोग होता है, और इन सब से अलग होने के बाद जो बचेगा वह मैं हूं, शुद्ध चैतन्य। इमं शरीरम अनिच्यम, यह शरीर अनित्य है, यह शरीर मेरा नहीं है। ऐसे अनुचिंतन करें, इन सब अनित्य चीजों से अपने मूर्छा को तोड़ें, केवल शुद्ध चैतन्य की अनुभूति करें, ज्ञाता दृष्टा भाव से। चित्त को ज्योति केंद्र, ललाट के मध्य भाग पर केंद्रित करें, वहां पूर्णिमा के चांद की तरह चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें। चित्त को पूरे ललाट में फैलाएं, चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान करें, अनुभव करें पूरे ललाट के भीतर श्वेत रंग के परमाणु प्रवेश कर रहे हैं, पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर रहा है, पूरा ललाट श्वेत रंग के परमाणुओं से भर गया है, कण कण में शांति और आनंद का अनुभव करें।
आवेग और आवेश शांत हो रहे हैं, क्रोध शांत हो रहा है, आनंद की अनुभूति करें, शुद्ध चैतन्य की अनुभूति करें। ममत्व के भाव का विसर्जन करें। दो तीन गहरे लंबे श्वास लें। शरण सूत्र के साथ इस प्रयोग को हम संपन्न करेंगे। अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवलिपनंतम धम्मम शरणम पवज्जामि। दोनों हथेलियों को आंखों पर संपुट बनाकर रखें, उसकी ऊष्मा को फील करें। धीरे धीरे भूमि दर्शन करते हुए आंखों को खोलें। ओ अरहम। तो हमने अभी जो अनित्य की अनुप्रेक्षा की, समय भी हो गया है, वह हमें मूर्छा को तोड़ने में हेल्प करेगी। अगर कभी भी हो तो इनकी इसकी अनुप्रेक्षा करें कि अनित्य है सब चीजें। हाँ, आपसे सभी से किसी को कोई पूछना है? हाँ, अभी किसी को कोई पूछना है तो आप ओपन कर दो। ये अनित्य की अनुप्रेक्षा कैसी लगी? पहली बार तो नहीं की होगी, आनंद भाई साहब ने आप लोगों को करवाई होगी। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। संगीता जी एंड्रेज की है, कुछ कहना है आपको? सभी को अनम्यूट करो। कैसा हो करे, शरीर तो है ना? हाँ, शरीर तो है, लेकिन जब हम ज्ञाता दृष्टा भाव से कोई भी चीज देखते हैं तो शरीर है, लेकिन उसके प्रति जो मूर्छा है उसको तोड़ना है। शरीर तो रहेगा जब तक आत्मा इस शरीर को बदल कर दूसरा शरीर नहीं प्राप्त कर लेती या मुक्त नहीं हो जाती, तब तक शरीर तो रहेगा, लेकिन हमारी उसके प्रति मूर्छा टूट जाएगी। और जब हम मतलब ज्ञाता दृष्टा भाव से देखेंगे तो हमें वो शरीर की अनुभूति होती नहीं है। अगर दुख दर्द भी होता है तो फील नहीं होता है, हमें उस समय केवल आत्मा या ऐसा होगा जब हम बहुत आगे तक पहुंच जाएंगे। लेकिन फिर भी हमारी जो ममत्व का भाव है शरीर के, कि मुझे मैं अच्छा नहीं दिखूंगी तो खराब लगेगा, मेरा यहाँ दर्द हो रहा है, तो उसके कम भाव आने लग जाएगा, शरीर से मूर्छा टूटने लगेगी और हम आत्मा के भीतर जाने लगेंगे। मतलब शरीर तो रहेगा, शरीर ये छूटेगा नहीं, पर यह शरीर अनित्य है, यह शरीर छूटने वाला है। एक दिन हमें इस शरीर से बंध कर नहीं रहना है, क्योंकि जब तक शरीर रहेगा तब तक हम इस मुक्त नहीं हो सकते, परमात्मा नहीं बन सकते। आत्मा इसी समुद्र में, भाव सागर के समुद्र में घूमती रहेगी। तो इस शरीर के प्रति जैसे जैसे मूर्छा टूटेगी तो हमारे जो कर्म शरीर है, तेजस शरीर है, जो इस औदारिक शरीर के साथ है, वो भी छूटने लग जाएंगे। और जिस दिन वो कर्म शरीर टूट गया, ये शरीर रहेगा ही, औदारिक भी छूट जाएगा, कर्म शरीर का जैसे ही भी संबंध हो जाएगा,
वो टूट जाएंगे, तो कर्म शरीर और तेजस शरीर दोनों भाई भाई हैं, वो साथ ही रहते हैं। कर्म शरीर टूटा, तेजस शरीर भी छूटा, और ये वो छूटते ही ये शरीर भी अपने आप ही आत्मा एकदम शुद्ध हो जाएगी। तो हमें उस मूर्छा को छोड़ना है, शरीर के प्रति हमारी जो ये लगाव है। और जो शब्द आप बोले थे ध्यान में, एक मिनट, उसके बारे में आप क्या लिए थे शब्द? आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? आप बाकी सब म्यूट करेंगे ना अपने आप को, तब मतलब इनको बता पाएंगे, नहीं तो सुनाई नहीं देगा। एक मिनट, आवाज आ रही है मेरी? बोला था ध्यान में, क्या बोला था वो शब्द समझ में नहीं आया मेरे को ध्यान में। अच्छा, मैं ऐसे बोली थी जैसे आपको समझाती हूँ कि जो हम जैसे इस स्थान पर बैठे हैं, आज मैं इस रूम में बैठी हूँ, तो इसके साथ अभी मेरा संयोग है, ठीक है, लेकिन यह हमेशा रहने वाला नहीं है। जब मैं ये घर बदल लूंगी तो मेरा इस स्थान से मेरा संबंध टूट जाएगा। तो मुझे ये अनुभव करना है कि ये स्थान मेरा नहीं है, ये स्थान जो है, ये आसन जो है, ये मेरे नहीं है, ये मेरा मतलब मेरी आत्मा तो हमेशा से ही शुद्ध है, लेकिन इसका जो आवरण है ये मेरा नहीं है, ये एक दिन निश्चित टूटने वाला है। मतलब ये अनित्य है, मतलब ये रहने वाला नहीं है। अनित्य मतलब हमेशा रहने वाला नहीं है मेरे साथ में, ये अनित्य है। मधु जी एक मिनट। हाँ एक मिनट, एक मिनट संगीता जी को मैं प्रैक्टिकल बताती हूँ। संगीता जी देखो, मैं बहुत सिंपल भाषा में व्यवहारिक अनुभव बताती हूँ कि हम लोग क्या होते हैं, अटैचमेंट होते हैं, मतलब सर दर्द हो गया तो ओहो सर दर्द हो गया, बस उसके सिवा कोई विचार ही नहीं करेंगे। परंतु उस टाइम ऐसा विचार करना है कि रोज तो सर दर्द नहीं रहता है, आज आया है तो वो चला जाएगा। मतलब जो भी चीज आती है वो होती है रोज की, परमानेंट नहीं होती है। तो मन को ये समझाना कि ये आता है वो चला जाता है, और जो आया है वो संयोग है, सब कुछ संयोग से होता है। मैंने जो कपड़े पहने हैं वो आज मेरे को लगा कि हाँ ये पहनूंगी तो बहुत अच्छा लगेगा, तो ये संयोग हो गया, ये परमानेंट नहीं है ना। आत्मा परमानेंट है ना, आपके आत्मा को हम इस जन्म में पाएंगे, दूसरे जन्म में, जिस मतलब वो कंटिन्यू रहती है। तो शरीर के साथ जो जो भी चीजें अटैच होती है वो सब संयोग होती है। कल ही ऐसी कुछ बात हुई थी मेरे हस्बैंड के साथ, कोई बीमारी तकलीफ, तो मैंने बोला आ गई तो चली जाएगी। अभी परसों भी मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत तकलीफ हो रही थी, पर मैंने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया, प्रोग्राम करती रही, ये करती रही, हो गया, आ गई तो चली जाएगी, और चली जाती ही है। परंतु वो भाव भी भाना जरूरी होता है कि जो आया है वो चला जाएगा, वो संयोग है, वो संयोग का अनुभव करना है। और ये संयोग है तो वियोग तो होगा ही, बस ये बात समझनी प्रैक्टिकल लेवल पे। आप लेवल वन लेवल टू कीजिए, आगे आ जाइए, फिर आपको धीरे धीरे शरीर से आत्मा से कैसे भिन्न होगा ये समझ में आएगा, ठीक है। ये इतने सहज पाते समझ में नहीं आता हमें, नहीं मिला मुझे अभी तक ये जब हम अनुप्रेक्षा करते हैं तो हमारे अपने आप से ही हमारे भाव ऐसे थॉट्स डेवलप हो जाते हैं कि हमको, जैसे कहते हैं ना, कोई दूसरा मध्यस्थ भाव पैदा होता है कि हमें कोई कुछ कहता है तो हमें फील नहीं होता है, चलो ये इसके भाव है, मैं तो ऐसी नहीं हूँ, मैं अपने आप को ऐसा नहीं समझती हूँ, या अगर ऐसी हूं तो मेरे को चेंज करना है, तो मैं दूसरों के नासिक के हाथ की कठपुतली नहीं बनती हूँ, मैं मेरा दूसरा कुछ भी कहे मैं अपने में स्थित रहती हूँ कि जो अगर कुछ मेरे अंदर कमियां है तो उसको मेरे को सुधारना है, लेकिन अगर नहीं है तो वो उसका स्वभाव है, उसकी आदत है, मैं अपने भावों को खुश रहूं, मैं भाव से हटूं, तो वो थॉट डेवलप करेंगे ना तो धीरे धीरे आप ये बातें सीख जाएंगे अपने आप। दो बार आप किसी बात की उपेक्षा कीजिए, आप छोड़ दीजिए, आपको मान लो कोई रोज आप म्यूट हो गए, आप म्यूट हो गए। मधु जी आप म्यूट हो गए, अनम्यूट कीजिए। दूसरा किसी को कुछ पूछना है आनंद भाई? जय जिनेंद्र। समय संपन्न हो रहा है हमारा, और किसी की कोई जिज्ञासा हो तो कृपया आप अपने आप को अनम्यूट करें, नहीं तो हम समापन की ओर चलेंगे। जय जिनेंद्र, मैं सुचेता गांधी बोल रही हूं। बहुत अच्छा लिया अनित्य का अनुप्रेक्षण ली,
ये तो हमारे क्लास में हमेशा आनंद मंसर जी लेते ही है, बहुत अच्छी तरह से बताते हैं, और आज भी बहुत अच्छा लिया मधु जी ने, और बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा प्रयोग। आप सबका भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे सुना, और मैंने कोशिश की है कि मैं आप तक पहुंच सकूं या अपने भाव पहुंचा सकूं। बहुत ज्यादा दो मिनट हम आपका और लेना चाहेंगे, एक कविता हम आपकी कविता भी सुनना चाहेंगे। मेरी कविता अनम्यूट कर दीजिए सबको, आनंद भाई की। चलिए, एक कविता है जिसमें नारी के सम्मान की बात है। एक बार मैंने वो देखा था उदयपुर की झील में नारी भ्रूणों को देखा था, तब मेरे मन में जो भाव उठे उसको मैंने कविता में बांधा। तो अभी जब पर्युषण है तो ऐसी हिंसा किसी के द्वारा भी नहीं हो, तो उसके लिए मैं, मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने कौन कौन सी कवित। तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी सम्मान में लिखी गई थी जहां ये पंक्तियां, वहीं देख झील में झलकती मृत बाला भ्रूणों की झलकियां। रो पड़ा ऋषियों का देश सुन उनकी सिस्कियां, रो पड़ा ऋषियों का देश सुन उनकी सिस्कियां। तब प्रश्न किया मैंने स्वयं से, लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा मान जहां नारी को पूजा गया, और जहां नारी की समता की, नारी को समता की प्रतिमूर्ति मानकर पूजा गया, नारी को समता की प्रतिमूर्ति वात्सल्य की देवी कहा गया, वही आज गर्भ में क्यों मारी जाती लड़कियां, क्या क्यों रो रहा ऋषियों का देश सुन उनकी सिस्कियां। तब उत्तर मिला जहां दहेज की बोली में लगती, जहां दहेज की लगती बोलियां डोली नहीं उठती जहां लड़कियों की अर्थियां, जहां दहेज की लगती बोलियां डोली नहीं जहां उठती लड़कियों की अर्थियां, जहां लज्जा नारी की बिकती है हर रोज शोषित होती जहां नारी, देख नारी की पीड़ा लगता है माँ की ममता हारी, देख नारी की पीड़ा लगता है माँ की ममता हारी, इसीलिए न चाहते हुए भी उसने अपनी लाडली मारी है। यदि रोकना चाहते हो यह महापाप, यदि रोकना चाहते हो यह महापाप, समाज को ऐसी सोनोग्राफी मशीन बनाओ रे जिसमें देखते ही कन्या भ्रूणों को माँ के आंचल से बहे दुग्ध धार, और सीना उसका गर्व से फूल जाए, और सीना उसका गर्व से फूल जाए। झांसी की रानी इंदिरा भी और मदर टेरेसा उसके सपनों में आए, किरण बेदी के कल्पना चावला और सानिया मिर्जा उसके रोल मॉडल बन जाए। फिर ऐसा दृश्य हमें न दहलाएगा, फिर ऐसा दृश्य हमें न दहलाएगा, ऋषियों का देश नारी सम्मान में एक बार फिर गुनगुनाएगा, ऋषियों का देश नारी सम्मान में एक बार फिर गुनगुनाएगा। तो जहां ये सब होता है वो इस पर्युषण के महापर्व में हम संकल्प करें कि हम अपनी शक्ति को बढ़ाएंगे और ऐसा कोई भी पाप हम नहीं करेंगे, ऐसी भावना के साथ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अलका जी आपको कुछ कहना है, अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। भाई साहब आपका प्रोग्राम बहुत सुंदर चलता है, मैं नहीं जुड़ पाती हूँ तो मैं यूट्यूब पे बहुत देख लेती हूँ उसको। बहुत सुंदर साहब ने बहुत सुंदर तरीके से। नाम बताइए, कौन बोल रहे हैं, नाम बताइए, कौन बोल रहे हैं अभी, नाम बताइए। मधु बोली हूँ मैं। मधु तुमने ही बोला, अच्छा कोई बात नहीं, धन्यवाद मधु को,
और आनंद भाई जी काफी लेट हो गए, आप प्रार्थना डायरेक्ट कीजिए, कोई बात नहीं, आप ले लीजिए अभी प्रार्थना ले लीजिए, अलका जी शुरू कीजिए प्रार्थना, बाद में बात कर लेता हूँ। मैं प्रीति बात कर रही हूं। आज डाक दिवस है आनंद भाई जी, तो मैं तीन बार केवल ओंकार बोलती हूँ, तो ओंकार बोलने के बाद आप प्रार्थना लीजिए, ठीक है? सभी सीधे बैठे रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, गहरी एकाग्रता, पूरी जागरूकता, तन्मयता के साथ जैसे अरहम की ध्वनि की वैसे ओंकार की ध्वनि करेंगे दिन भर, आज कोई ना कोई जाप करने का संकल्प करने के साथ प्रयत्न करें कि मैं ओंकार भी दिन भर करती रहूंगी, कुछ भी दूसरे विचार मन में ना आए। सभी तीन बार ओंकार के लिए तैयार, एक साथ ही करेंगे, समय कम है, और जैसे ही मेरी प्रार्थना हो ओंकार हो जाएंगे आनंद भाई जी तुरंत प्रार्थना करेंगे, मैं दूसरी प्रार्थना आज नहीं कराऊंगी। लंबी गहरी श्वास भरे, मेरे साथ साथ सभी बोलिए, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है, सागर लहरा है, इसका साक्षात्कार करना ही, इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का, मेरे जीवन का परम लक्ष्य है, परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आज का दिन मंगलमय हो, शांतिमय हो, शांति शांति शांति। हम सब गुरुदेव के आभारी हैं, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं, हम सब आपके भी बहुत बहुत आभारी हैं। मधु जी आपका विशेष आभार, आपका समय निकालते हुए हमारा मार्गदर्शन किया। आनंद जी जी आनंद जी जतन मल जी सा धन्यवाद देंगे, वो मैसेज कर चुके, वो मैसेज दे रहे कि कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, तो जतन भाई जी अपने फीडबैक के साथ मधु को धन्यवाद दे। जतन मल जी सा मधु जी बहुत 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 धन्यवाद, आपने इतने बढ़िया मर्म स्पर्शी शब्दों के द्वारा आपको लाभान्वित किया, सबको जो कविता सुनाई उससे बहुत लाभान्वित हुए हम लोग, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आप सबकी बहुत बहुत आभारी हूँ जो मुझे विकास करने का यह अवसर दिया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कल हम इसी समय फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। सभी को धन्यवाद। देख लेने के मन ने जुड़ोड़ो भी ते माखनो की बुलावा ही है। आई डर वास मैं मैसेज कर दिया।